उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित तीर्थ स्थल नगरी वृंदावन में लंबे समय से मांस और अंडे का अवैध कारोबार चल रहा था। मीडिया द्वारा इस मामले के उजागर किए जाने के बाद आज खाद्य विभाग और पुलिस ने छापेमारी कर अवैध कारोबार कर रहे कारोबारी पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान एक मीट कारोबारी को मौके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान कारोबारी के गोदाम से भारी मात्रा में मीट और अंडा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई से अंडा और मीट बेचने वालों में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि धार्मिक नगरी के रूप में वृंदावन विश्व विख्यात है। यहाँ पर यूं तो अंडा, शराब, मांस आदि की बिक्री पहले से ही प्रतिबंध थी। अब योगी सरकार ने ब्रज के प्रमुख तीर्थ स्थल वृंदावन को सरकारी दस्तावेजों में भी तीर्थ स्थल का दर्जा दे दिया है, मगर ताज्जुब की बात यह रही कि वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में शहर के बीचों बीच मथुरा गेट पुलिस चौकी के ठीक बराबर में मीट का कारोबार पुलिस की शह पर फल फूल रहा था। मीट कारोबारी बेखौफ होकर अंडा और मांस की बिक्री वृंदावन शहर में कर रहे थे। इसे गैरकानूनी व्यापार को मीडिया ने जब सबके सामने उजागर किया तो पुलिस और खाद्य विभाग की टीम हरकत में आई और इसी के चलते आज खाद्य विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर मथुरा गेट पुलिस चौकी के पास से मीट कारोबारी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार हुए कारोबारी के गोदाम से मीट और अंडा काफी मात्रा में बरामद किया गया है। क्या कहेंगे आज जिस तरह से छापेमारी की गई है? ये काफी दिनों से वृंदावन में मीट और अंडा के बेचने की सूचना मिल रही थी। हमारे मीडिया बंधुओं ने और जनता के और साधु संत महात्मा लोगों ने भी दी थी। आज उसी पर पुलिस और खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें एक अभियुक्त पकड़ा गया है जिसका नाम जाकिर समाप आजाद है। ये मथुरा गेट पुलिस चौकी का पास रहता है मोहल्ले में। उसकी यहाँ तलाशी ली गई तो मीट और कुछ अंडे मिले हैं, उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किया। सर, जिस तरह से महज पुलिस चौकी से कुछ ही कदमों की दूरी पर यह कारोबार चल रहा था, उसके बारे में क्या कहेंगे? मकान में अंदर बंद कमरे में चल रहा है तो जानकारी जैसे मिली है उसका कार्रवाई की जाएगी। किसी पुलिस वाले की भी मिली भगत होगी तो उसकी भी जाँच की जाएगी। मथुरा से सैयद जाहिद की रिपोर्ट।